दोस्तों इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ मोटोरोला ZX2 और इन्फिनिक्स की स्मार्ट टीवी, कुल मिला के डेविड वर्सेस गुलायत। इसका प्राइस है 16,000 रुपीज़ और इसका प्राइस है 12,000 रुपये, जो कि आपको कई बार डील्स में आपको 10.5-10 के ऊपर जाती है। 4-5 हज़ार रुपये का ये डिफरेंस है, ये क्या मैटर करता है? क्या आपको 4-5 हज़ार रुपये ज़्यादा देने चाहिए या फिर 4-5 हज़ार रुपये कम देके आपको इसमें मतलब जैसा कुछ ज़्यादा खास नहीं खोना पड़ रहा है? ये सब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। दोनों का कंपैरिजन करेंगे हम, मैं बताऊंगा कि किसकी वीडियो क्वालिटी बेहतर है, किसकी ऑडियो क्वालिटी बेहतर है, किसका बूट, कौन सी पहले टीवी पहले बूट होती है, किसका रिमोट बेहतर है, किसके पोर्ट्स अच्छे हैं, किसकी डिज़ाइन अच्छी है, सब बताएंगे। स्टडी डिज़ाइन वगैरह जो भी जिसकी भी होगी। और दोस्तों याद रहे, मैं अपना कंपैरिजन थोड़ा अलग तरीके से करता हूँ। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो ना, तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हैंग आउट विद मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। और इन दोनों में से कोई भी टीवी आपको खरीदनी हो तो यहाँ पे एक एरो आता है, उस एरो पे आप क्लिक करेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन खोलेंगे, डिस्क्रिप्शन में किसी भी लिंक पर क्लिक करके इन टीवियों को आप खरीद सकते हैं। वैसे इन दोनों का लिंक सबसे ऊपर मैंने दे रखा होगा दोस्तों। फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज उदित शर्मा, यू आर वॉचिंग यूडी रावत एंड दिस इज द कंपैरिजन बिटवीन मोटोरोला ZX2 डेविड एंड इन्फिनिक्स गोलायत। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं बूट कंपैरिजन। दोस्तों यहाँ हम करने वाले हैं मोटोरोला ZX2 और इन्फिनिक्स X100 टीवी स्मार्ट टीवी का एक बूट कंपैरिजन। दोनों टीवियों को मैंने स्विच ऑफ किया था, मैं दोनों टीवियों को रिमोट स्टार्ट करूंगा दोस्तों। दोनों का रिमोट मेरे हाथ में, पावर बटन दबाएंगे एक साथ। दोस्तों देखने वाली बात ये होगी कि दिस इज डेविड वर्सेस गोलायत। मोटोरोला ZX2 इज लाइक बेस्ट फीचर्स एनी की टीवी कैन गेट। G52 का क्वाड कोर का ग्राफिक इंजन है, जबकि इन्फिनिक्स में ऐसा कुछ नहीं है, भी तो बताया नहीं है। तो प्राइस भी देखो दोस्तों, 5,000-5,000 का फर्क है। देखते हैं कौन सी टीवी पहले स्टार्ट होती है। एंड्रॉइड 10 पे काम करती है मोटोरोला ZX2, एंड्रॉइड 9 पे काम करती है हमारी इन्फिनिक्स। दोनों टीवियों को मैंने रिमोट से ऑन किया है और देखते हैं कौन सी टीवी पहले स्टार्ट होती है। दोस्तों दोनों टीवियों ने सिग्नल ले लिया है, इन्फिनिक्स स्मार्ट लाइफस्टाइल पहले लिखा गया है। हो सकता है मेरी गलती से 1-2 सेकंड पहले बटन दब गया हो, भाई देखो मैं ह्यूमन हूँ, ह्यूमन एरर तो चलता ही ना 1-2 सेकंड का। मोटोरोला ZX2 में यहाँ पे सिग्नल आ गया, चलो 1-2 सेकंड की लीड ले ली है इन्फिनिक्स ने यहाँ पे। मैंने रिमोट, हो सकता है रिमोट से पहले बटन दब गया, आई थिंक दब गया है पहले रिमोट इन्फिनिक्स का दब गया था बटन के पावर बटन। यहाँ पर दोनों में गूगल एंड्रॉइड लिखा आ गया है। देखने वाली बात होगी कौन सी टीवी पहले स्टार्ट होती है। आई थिंक मोटोरोला 1 सेकंड पीछे थी इन्फिनिक्स से, लेकिन फिर भी इन्फिनिक्स से अब यहाँ पे आगे निकल के मतलब बूट करके और जल्दी बूट होने वाली है। एंड्रॉयड यहाँ पे लिखा गया इन्फिनिक्स में, इन्फिनिक्स चली गई है हमारे उस मोड में जहाँ पे चैनल स्कैन होते हैं, होम का बटन दबाते हैं जल्दी से। यहाँ मोटोरोला ZX2 स्टार्ट हो चुकी है, 1, 2, 3, 4 एक ब्लैक स्क्रीन सी आ गई इन्फिनिक्स में। अब यहाँ पे इन्फिनिक्स स्टार्ट हुई है करीबन 8-10, बल्कि 12 सेकंड लेट। तो दोस्तों कुल मिला के विनर तो हमारा यही रहेगा, हमारा मोटोरोला ZX2। लेकिन एक बार मैं रिमोट से और ऑफ कर लेता हूँ और देखते हैं कौन सी टीवी पहले रिमोट से स्टार्ट होती है। इन्फिनिक्स और मोटोरोला दोनों को ही मैंने बंद किया, दोनों को स्टार्ट करूंगा। दोस्तों दोनों का ही रिमोट मैंने एक साथ दबाया और देख पा रहे होंगे इन्फिनिक्स यहाँ पे 1-2 सेकंड लेट स्टार्ट हुई है। तो कुल मिला के यहाँ पे हमारा विनर रहेगा मोटोरोला ZX2 बूट में, जिसको इसको पछाड़ नहीं सकता कोई भी। एंड्रॉइड 10 टीवी बहुत जल्दी स्टार्ट होती है और ये कोई छिपती बात नहीं है। तो सर जैसे कि आपने देखा यहाँ पे मोटोरोला ZX2 काफ़ी आगे है और बूट कंपैरिजन में इसको एंड्रॉइड कोई सी भी एंड्रॉइड टीवी को हराना इसमें एंड्रॉइड 10 के साथ मुश्किल है। तो दोस्तों तो मोटोरोला ZX2 यहाँ पे एंड्रॉइड 10 पे काम करती है, जल्दी से बूट हो जाती है, आपको किसी भी किस्म की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इन्फिनिक्स भी ऐसा इतना बेकार नहीं है, बाकी सारी एंड्रॉइड टीवी जो है एंड्रॉइड 9.0 पर काम करने वाली, एंड्रॉइड 5 पर काम करने वाली, उन सबके आसपास की टाइमिंग है, ऐसा कुछ खास में आप खो नहीं रहे। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर मतलब 5,000 रुपये का डिफरेंस तो जस्टिफाई नहीं होता 4-5 हज़ार रुपये का, लेकिन ठीक है विनर हमें चूज करना है तो यहाँ पर मोटोरोला ZX2 ही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम ऑडियो एंड वीडियो क्वालिटी की। दोस्तों यहाँ पर हम करने वाले हैं मोटोरोला ZX2 और इन्फिनिक्स स्मार्ट टीवी का एक कंपैरिजन ऑडियो एंड वीडियो में। दोस्तों यहाँ पर आप साफ साफ देख पा रहे होंगे जो मोटोरोला में हमें ब्लैक लेवल्स दिख रहे हैं, जो कॉन्ट्रास्ट दिख रहा है वो इन्फिनिक्स में बिल्कुल भी दिख रहा है। इन्फिनिक्स में इमेज कुछ ज़्यादा ही ब्राइट हो जा रही है, उस ब्राइटनेस के चक्कर में ना जो ब्लैक लेवल्स हैं, जो कॉन्ट्रास्ट है उसकी ऐसी तैसी हो गई है। यस कलर्स डू लुक नेचुरल इन इन्फिनिक्स, बट वो किसी किसी के लिए अच्छी चीज़ हो सकती है, किसी किसी के लिए बुरी चीज़ हो सकती है। मोटोरोला में यहाँ पे कलर्स पंची आ रहे हैं, पॉप कर रहे हैं, जो कि मुझे पसंद है। थोड़ी सी लाइक सेचुरेशन 10% बढ़ जाती है तो मेरे को अच्छा लगता है। यहाँ पर आप देखिए इस तोते को देखिए, बिल्कुल रेड दिख रहा है मोटोरोला ZX2 में। बाय द वे थैंक यू फॉर दैट पर्सन हु मेड दिस ब्यूटीफुल वीडियोज, आई एम गिविंग हिम अ शट आउट। और दिस इज नॉट मतलब आई डोंट वांट अ कॉपीराइट स्ट्राइक, इट्स जस्ट अ डेमो फॉर द टीवी। यहाँ पे दोस्तों कुल मिला के पिक्चर क्वालिटी मेरे को लग रही है बेटर हमारी मोटोरोला ZX2 में। एक बार हम बैक करते हैं दोस्तों और हम आ जाते हैं, बैक का भी थोड़ा सा सीन है दोस्तों इन्फिनिक्स में, क्योंकि इन्फिनिक्स हमारा यहाँ पर रिमोट सपोर्ट नहीं करता है ब्लूटूथ वाला, तो हमें पॉइंट करना पड़ेगा उसकी तरफ ताकि IR से सिग्नल ले ले। एक बार हम ऑडियो कंपैरिजन और दिखाएंगे यहाँ पर, मैं अपनी ही वीडियो चलाता हूँ कोई, ताकि आपको आइडिया अच्छे से लग जाए, क्योंकि मैं किसी की कॉपीराइट नहीं चाहता इसीलिए मैं अपनी ही वीडियो चलाता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं NCS वगैरह की ऑडियो चला दिया करो, सर ऐसा है कि कॉपीराइट लगने को ना YouTube चैनल वाला कॉपीराइट कभी भी दे दे,
क्या भरोसा सर, कॉपीराइट लग जाए तो कुछ कह नहीं सकते, फिर आप ये भी वीडियोस नहीं देख पाएंगे। हम कोई और वीडियो चलाते हैं, जैसे कि अमेजन बेसिस फायर टीवी एडिशन का रिव्यू चलाते हैं 10 डेज लेटर वाला। इन दोनों वीडियो को मैं एक साथ प्ले कर रहा हूँ, तो आप देख पा रहे होंगे यार दोस्तों, यहाँ पे जो शार्पनेस हमें मोटोरोला में मिल रही है वो एक चीज़ की वजह से भी हो सकती है कि भाई आप 4K में चला सकते हो वीडियोस को यहाँ पे यूट्यूब पे, तो इसको 1080p कर देते हैं ताकि ओवर शार्पनिंग इफेक्ट, जो मुझे पसंद नहीं है, कुछ लोगों को पसंद है चला सकते हो उसको, वो ना मिले। और यहाँ पे इन्फिनिक्स में भी 1080p वीडियो चल रही है दोस्तों, जो कॉन्ट्रास्ट और जो ब्लैक लेवल्स मिल रहे हैं वो मोटोरोला में बेटर मिल रहे हैं साफ साफ। इन्फिनिक्स में कुछ ज़्यादा ही इमेज ब्राइट हो जा रही है तो वो मेरे को पसंद नहीं आ रही है। एक बार वैसे हम ब्राइटनेस को ट्वीक कर सकते हैं, लेकिन देखो यार डेविड वर्सेस गोलियत है, कुल मिला के अगर पूछोगे तो भाई 4000 रुपये का डिफरेंस तो मतलब नहीं दिख रहा है मुझे। मतलब अगर 1500 रुपये ज़्यादा देने हैं और मोटोरोला Z2 मिल रही है तो ठीक है, लेकिन पिक्चर क्वालिटी के लिए सिर्फ 4000 रुपये ज़्यादा देने हैं तो इतना भी अंतर नहीं है भाई 4000 रुपये एक्स्ट्रा दे दूँगा मोटोरोला Z2 को। यहाँ पे एक बार ऑडियो बढ़ाते हैं हम इन्फिनिक्स की सबसे पहले। दोस्तों मजा नहीं आया, फट रही है वॉच, मे बी 70% तक ना फटे लेकिन 100% आवाज कर दोगे तो फट ही जाएगी। और दोस्तों वो क्लियरिटी नहीं आ रही है, 20 वॉट के स्पीकर इसमें लगे हुए हैं, मैंने थोड़ा सा एक्सपेक्ट किया था कि अच्छी आवाज़ आएगी लेकिन इतनी अच्छी आवाज़ नहीं आ रही है। एक बार हम मोटोरोला के स्पीकर करते हैं, भाई देखो कोई छिपती बात नहीं है, 40 वॉट के स्पीकर हैं और खतरनाक आवाज आने वाली है। यस, इट्स जस्ट ऑसम, इसके आवाज़ को मतलब कोई मैच नहीं कर सकता कोई भी 32 इंच का टीवी, बहुत ही शानदार ऑडियो इसमें आती है और बस जस्ट बेस्ट है यार। ऑडियो में तो यहाँ पर साफ साफ विनर रहेगा मोटोरोला Z2, वीडियो में भी साफ साफ विनर रहेगा मोटोरोला Z2, लेकिन अगर हम प्राइस डिफरेंस को देखें तो 4000 रुपये एक्स्ट्रा मैं नहीं दूंगा सिर्फ और सिर्फ वीडियो क्वालिटी के लिए। यहाँ पे मैं इन्फिनिक्स ले लूँगा, अगर मेरे 4000 रुपये बच रहे हैं तो मैं इन्फिनिक्स ले लूँगा वीडियो क्वालिटी के लिए, ऑडियो क्वालिटी के लिए तो नहीं भाई। तो यहाँ पर कुल मिला के विनर तो रहेगा हमारा मोटोरोला Z2। दोस्तों जैसे कि आपने यहाँ पे देखा वीडियो क्वालिटी में भी विनर यही है, ऑडियो क्वालिटी में तो कोई चांस था ही नहीं इसके आगे भाई, कोई भी टीवी नहीं टिकी 40 वॉट के स्पीकर के आगे, तो ये क्या टिकेगी जो 20 वॉट के स्पीकर के साथ आ रही है। याद रहे इन्फिनिक्स के जो 43 इंच का मॉडल है उसमें आपको 24 वॉट के स्पीकर मिलेंगे, तो ये चीज़ याद रखना। लेकिन फिलहाल इसके 20 वॉट के स्पीकर ठीक है, काम चला हुआ है, 4000 रुपये जस्टिफाई यहाँ पे भी नहीं करता है। देखो 4000 रुपये ऑडियो में तो करता है भैया, क्योंकि 40 वॉट की ऑडियो मिल रही है, लेकिन वीडियो में 4000 रुपये जस्टिफाई नहीं होते हैं, क्योंकि देखो इसकी डिटेलिंग बहुत अच्छी है, कलर्स नेचुरल हैं जो कि कुछ लोगों को पसंद आते हैं, पर यहाँ पर कलर्स थोड़े से पंची मिल रहे हैं और मज़ा इसमें ज़्यादा आ रहा है। देखो यार एक तरह से पिक्चर क्वालिटी देखोगे तो, और 4K में वीडियो चला सकते हो, डॉल्बी विजन डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट है, तो यहाँ पर मोटोरोला Z2 विन रहेगी हमारी ऑडियो एंड वीडियो कंपैरिजन में। नेक्स्ट बात करते हैं हम यूजर इंटरफेस की। दोस्तों यहाँ पर हम करने वाले हैं कंपैरिजन बिटवीन मोटोरोला Z2 और हमारा है इन्फिनिक्स का स्मार्ट टीवी। दोनों ही टीवियों को मैं मतलब बताना चाहता हूँ यूजर इंटरफेस के बारे में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इन्फिनिक्स यहाँ पे एंड्रॉइड 9 पर काम करता है और हमारा मोटोरोला Z2 काम करता है एंड्रॉइड 10 पर, जो कि बहुत फास्ट है, फ्लूड है। इन्फिनिक्स भी फास्ट ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक चीज़ याद रखना दोस्तों, इन्फिनिक्स के 32 इंच के मॉडल में, 43 इंच के मॉडल में यू डू गेट अ ब्लूटूथ रिमोट, बट 32 इंच के मॉडल में आपको सिंपल सा रिमोट मिलता है जिससे कि आप गूगल असिस्टेंट को यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्रोमकास्ट भी कुछ खास अच्छा नहीं चलता है, ब्लूटूथ रिमोट इसमें मिलता नहीं है, क्योंकि मोटोरोला Z2 में आपको सारे फीचर्स मिलते हैं, आपको ब्लूटूथ रिमोट मिलता है, खतरनाक क्रोमकास्ट और खतरनाक यूजर इंटरफेस चलता है, 10 में से 8-9 बार काम करता है। आई एम नॉट सेइंग दैट लाइक इट्स एलेक्सा जो कि हर बार काम करे, डिस्प्ले मिलिंग जो फायर टीवी में होती है वो एकदम इसमें नहीं होती है किसी भी एंड्रॉइड टीवी में, बट हाँ इट डू वर्क बेटर। अगर मेरे को कोई एंड्रॉइड टीवी चाहिए होगी गन पॉइंट पर तो मैं यही चूज़ करूँगा, क्योंकि इनका एंड्रॉइड इज लाइक सुपर फास्ट, सुपर फ्रेश और कोई दिक्कत नहीं आती है इसमें, और इसमें कोई स्किन नहीं है इनके पास जैसे पैचवॉल वगैरह की होती है। ब्लूटूथ ऑडियो मिलेगी आपको इसमें, लाइक आप 2-way ब्लूटूथ है, अगर आप इसके 40 वॉट के स्पीकर को एज अ ब्लूटूथ स्पीकर यूज़ करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो और सब काम हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है दोस्तों। और भी इसमें सारे फीचर्स मिल जाते हैं आपको, लेकिन इस मतलब नंबर बटन इसमें मिलते हैं रिमोट में वो किसी काम के नहीं है। इन्फिनिक्स की बात करें दोस्तों यहाँ पर भी फ्लूडिटी तो बिल्कुल बराबर मिलती है एंड्रॉइड 9 है दोस्तों। अब 4000 रुपये में यहाँ पर भी मतलब सिर्फ ऐसा कुछ खास नहीं मोटोरोला Z2 में जिसके लिए मैं 4000 रुपये एक्स्ट्रा दूंगा। अगर मेरे को बोलेगा कोई भाई दोनों टीवियाँ हैं यूजर इंटरफेस के हिसाब से टीवी खरीदनी है, 4000 रुपये ज़्यादा दोगे क्या मोटोरोला के लिए, तो ऑब्वियसली नॉट। मैं भाई देखो मेरे को सिर्फ गूगल असिस्टेंट वही तो मिस कर रहा हूँ ना मैं, तो मैं कोई भी एक ऐसा 400 से 500 रुपये का एक रिमोट ले आऊँगा, ब्लूटूथ रिमोट इन्फिनिक्स का ही 43 इंच वाला रिमोट ले आऊँगा जो कि काम कर जाएगा, इसमें साथ ऐड कर पाऊंगा मैं इस असिस्टेंट है यूजर इंटरफेस में तो असिस्टेंट है, बट यू कैन नॉट यूज़ द गूगल असिस्टेंट बिकॉज यू डू नॉट हैव अ ब्लूटूथ रिमोट, तो ये यहाँ पे इशू है। तो मैं ब्लूटूथ रिमोट ला के इसमें कनेक्ट कर लूँगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। कुल मिला के विनर पूछोगे तो यहाँ तो देखो पैसे की बात हम यही कर रहे हैं, सिर्फ यूजर इंटरफेस की बात कर रहे हैं, तो विनर रहेगा हमारा मोटोरोला का Z2 का एंड्रॉइड 10 का टीवी। दोस्तों जैसे कि आपने यहाँ पे देखा मोटोरोला Z2 हमारे एंड्रॉइड 10 लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट पर काम करती है और ये हमारी इन्फिनिक्स की एंड्रॉइड 9 पर काम करती है जिसमें आपको क्रोमकास्ट और गूगल असिस्टेंट हैं,
बट यू कैनॉट यूज इट। क्रोमकास्ट तो यूज कर सकते हो बट यू कैनॉट यूज गूगल असिस्टेंट बिकॉज ऑफ दिस रिमोट। ये रिमोट ब्लूटूथ रिमोट नहीं है, आपको लेना पड़ेगा ब्लूटूथ रिमोट अलग से खरीदना पड़ेगा 43 इंच वाले मॉडल का, फिर आप इसमें ब्लूटूथ कनेक्ट करके साथ चला सकते हैं। दिस इज एन लाइक अजम्पशन है जो शायद हो जाए या फिर कोई और ब्लूटूथ रिमोट भी काम कर जाएगा, क्योंकि असिस्टेंट इसमें शो तो करता है बट यू कैनॉट यूज इट बिकॉज इसमें कोई बटन नहीं है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। बाकी यूजर इंटरफेस एंड्रॉइड 9 वो यूज सबको सारे आप चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्रोमकास्ट वगैरह बार से नहीं चलेगा, 10 में से 8-9 बार ही चलता है, इसमें थोड़ा 9-10 बार चल जाता है और बस यही है। नेक्स्ट बात करते हैं हम रिमोट्स की। दोस्तों यहाँ हम करने वाले हैं रिमोट कंपेरिजन बिटवीन मोटोरोला ZX2 और इन्फिनिक्स का स्मार्ट रिमोट। दोनों ही रिमोट काफ़ी सिमिलर से हैं। इन्फिनिक्स में आपको बटन मिलता है नेटफ्लिक्स और यूट्यूब का, और असिस्टेंट का बटन नहीं मिलता है क्योंकि ये IR रिमोट है, आपको पॉइंट करना पड़ेगा टीवी की तरफ। मोटोरोला ZX2 यहाँ पर फुली ब्लूटूथ रिमोट है, आपको नंबर बटन मिल जाते हैं जो कि वैसे किसी काम के नहीं है, आप इसमें नंबर चैनल नंबर नहीं लगा सकते अपने सेटअप बॉक्स पर, बट यू डू गेट नेटफ्लिक्स गूगल प्ले यूट्यूब Z5 का बटन, असिस्टेंट का बटन भी आपको मिल जाता है, कलर बटन मिल जाते हैं। वैसे मेरे हिसाब से अगर पूछोगे तो विनर तो यहाँ तो मैं मोटोरोला ZX2 के रिमोट को ही कहूँगा, लेकिन इन्फिनिक्स ने यहाँ पर भी अच्छी कोशिश करी है। लेकिन भाई इस रिमोट को ब्लूटूथ बना देना था और माइक डालना था इसमें, गूगल असिस्टेंट का बटन डालना था इस रिमोट में, तो ये रिमोट भी काफ़ी अच्छा हो जाता। लेकिन एक विनर चूज़ करना है तो मैं चूज़ करूँगा मोटोरोला का रिमोट। तो सर जैसे कि आपने देखा यहाँ पे दोनों ही रिमोट अच्छे हैं, दोनों में ही नंबर बटन मिल जाते हैं, लेकिन दोनों के ही नंबर बटन किसी काम के नहीं है। बट रिमोट में यहाँ पे गूगल असिस्टेंट का बटन एक्स्ट्रा मिल रहा है और नेटफ्लिक्स का बटन एक्स्ट्रा मिल रहा है, वैसे नेटफ्लिक्स का नहीं Z5 का बटन एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो मोटोरोला ZX2 को मैं विनर घोषित करता हूँ। इन्फिनिक्स में इतना आपको खास मिलने वाला नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं हम पोर्ट्स की। दोस्तों इसमें भी 2 HDMI है, इसमें भी 2 HDMI है, इसमें भी 2 USB है, इसमें भी 2 USB है, बाकी और एंटीना इसमें मिल जाए, इसमें एक आपको एक हेडफोन जैक एक्स्ट्रा मिल जाता है। वैसे हेडफोन जैक सिर्फ आप स्पीकर के लिए यूज़ करोगे, हेडफोन्स के लिए आप यू नेवर गोना यूज़ इट। तो स्पीकर तो भैया SPDIF आउट यूज़ करो ना, डिजिटल ऑडियो आउट, इसमें डिजिटल ऑडियो आउट मिलेगा। वैसे यू डोंट नीड अ हेडफोन आउटपुट और इवन अ स्पीकर आउटपुट फॉर दिस, बिकॉज इसमें 40 वाट के स्पीकर लगे हैं। तो मैं मोटोरोला की इस मूव से मतलब सहमत भी नहीं हूँ लेकिन असहमत भी नहीं हूँ, बिकॉज भाई जरूरत नहीं है यार हेडफोन आउट की, बिकॉज इसमें 40 वाट के स्पीकर लगे हुए, यू नेवर गोना यूज़ द स्पीकर्स और हेडफोन। हेडफोन यूज़ करने तो आप ब्लूटूथ वाले यूज़ करोगे ना, टीवी के सामने ऐसे लगा के इतने पास से तो वायर्ड वाले तो यूज़ करोगे नहीं, तो ये बात हो जाती है। दोस्तों बात करते हैं आप डिज़ाइन की। तो दोस्तों इसका स्टैंड बहुत ही अच्छा है, आपको कोई दिक्कत नहीं, वन ऑफ द बेस्ट स्टैंड आई एवर सीन। बट इसका डिज़ाइन भी बहुत अच्छा है, इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, इसका बहुत सॉलिड डिज़ाइन है यार, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। स्टैंड तो खैर नॉर्मल सही है जो हमें मिलता है, कुल मिला के मैं टाई कहूँगा कि दोनों ही बिल्ड क्वालिटी बहुत बढ़िया है, दोनों में ही बराबर बेजल्स मिलते हैं, ऐसा कुछ खास अलग से मिलेगा नहीं आपको, और सही है दोनों का वजन भी आसपास ही है, ठीक है, लेकिन मैं विनर नहीं चूज करूँगा, सॉरी। तो ये थी वीडियो। आप प्राइस की थोड़ी बात करें तो देखो ये है 15-16 हज़ार रुपये की टीवी, ये है आपको 10 से 12 के बीच में पड़ती है, डिस्काउंट डिपेंड ऑन कि आप डिस्काउंट कैसे लगा रहे हो। तो कुल मिला के देखो यार अगर आप ज़्यादा स्मार्ट फीचर्स यूज़ नहीं करते हो, लाइक मतलब गूगल असिस्टेंट और क्रोमकास्ट इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करने वाले हो, क्रोमकास्ट में चल जाता है, फिर भी इन दोनों आप इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करने वाले हो, थोड़े बहुत ऐप्स चलाने वाले हो, वहीं सेटअप बॉक्स ही देखनी है, तो आई विल सजेस्ट टू गो फॉर दिस। देखो यार अगर 12,000 रुपये कम का बजट है तो मैं इसी को ही सजेस्ट करूँगा, 12,000 से ऊपर जा रहा तो फिर तो मैं और भी बहुत सारी टीवी है, जैसे ऑनरा फायर टीवी है, अमेज़न बेसिस का फायर टीवी एडिशन है, आपको MI होराइज़न टीवी है, और भी बहुत सारी टीवी है, मोटोरोला ZX2 फिर आ जाती है 15,000 से ऊपर में, मैं इनको सजेस्ट कर दूँगा, लेकिन 12,000 से कम में है तो यही लीजिए। आर यू नॉट लूजिंग लाइक बहुत ज़्यादा 4,000 रुपये में? आप ऐसा मत सोचना कि भाई 4,000 रुपये में बहुत सारी चीज़ें हम खो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, शानदार टीवी है, दोनों में से कोई भी ले सकते हो। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट लाइक, गेट सब्सक्राइब एंड चेक आउट अदर वीडियो ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच।